हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 4 हिंदी। तो स्टूडेंट, हमारा पार्ट 8, तो उसमें हमारा अब स्टार्ट होगा प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 होता है हमारा प्रश्नों के उत्तर, उनके बाद हम देखेंगे व्याकरण विभाग। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्न 2 है जो प्रश्न के उत्तर वह हम अभी समझेंगे। तो पेपर पैटर्न वाइज है हमारा विभाग ब, जो प्रश्न 2 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? उत्तर, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। नंबर 2, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? उत्तर, चूहे ने दर्जी से कहा मेरे कपड़े की टोपी सी दे। 3, कशीदकार क्या सुनकर घबराया? उत्तर है, कशीदकार सिपाही और कचहरी की बात सुनकर घबराया। 4, चूहा कब खुश हुआ? उत्तर, कशीदकार ने टोपी में कशीदा काट दिया, इस बात पर चूहा खुश हुआ। 5, कशीदकार क्या करता है? कशीदकार कपड़े पर सुई धागे से बेल बुट्टे बनाता है। अब हम देखेंगे हमारा प्रश्न 3 जो होता है व्याकरण विभाग। प्रश्न 3 अ है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। तो उसमें नंबर 1 है चूहा, चूहा छोटा जानवर होता है। 2, दुकान, अब उनका वाक्य बनाएंगे, दुकान में बहुत सारा सामान होता है। 3, सिपाही, सिपाही कचहरी में काम करता है। 4, दर्जी कपड़े सीता है। 5, टोपी सिर पर पहनी जाती है। 6, कचहरी में जेल होती है। इसी तरह आपको हर शब्द के वाक्य बनाने के रहेंगे। अब है प्रश्न 3 ब। अब में ऐसे लिखा है, समझिए और लिखिए। तो नंबर 1 है कसीदा, तो उनका शब्द बनाएंगे कसीदा का। इसी तरह दूसरे भी बनाएंगे, 2, गीतकार। 3, चित्रकार। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उन पर से ही आपको शब्द बनाने के होंगे। इसी तरह 3, चित्रकार। 4, शिल्पकार। 5, मूर्तिकार। प्रश्न 3 ड में भी ऐसा है, समझिए और लिखिए। तो नंबर 1 है मारना, तो बताया गया होगा उसी हिसाब से बनाना रहेगा, मारूंगा। 2, करना, करूंगा। 3, देखना, देखूंगा। 4, जाना, जानूंगा। 5, बुलाना, बुलाऊंगा। तो स्टूडेंट, अच्छे अक्षरों में आपको लिखने के रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।